सावन का मौसम आया है और सभी सखियों के चेहरों पे सतरंगी सावन लहरा रहा है, लेकिन इस बार सतरंगी सावन पर कुछ ग्रहण सा लगा है। इस बार टोली थोड़ी छोटी हुई है और अपना सावन उत्सव कम टोली में ही मनाना पड़ रहा है, अपने घर पे ही मनाना पड़ रहा है। आइए देखें हमारे साथ सावन की ये खास रिपोर्ट। सावन का मौसम आया है और हर चेहरे पे रंग लाया है, आसमान भी बरस रहा है और धरती भी खुशहाली ला रही है। हमारे साथ में जिलों की नगरी उदयपुर की वो महिलाएं हैं जो हर समय अपने जीवन को सावनमय बना देती हैं, और अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, लेकिन अपने घरों में ही वो ऐसे आयोजन कर रही हैं कि सावन उत्सव मना रहे हैं। आप देख रहे हैं आज शेर शायरी का दिन है और किस तरह से इस महामारी का अंत हो और सावन उत्सव सावन महीना साकार हो। आप हमारे साथ में देखेंगे कि ये झूला लगाया गया है और संदेश देने के लिए क्या संदेश, किस तरह से आपने आयोजन किया है, क्या शायरी कहेंगे आप? ए अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस कि वो आ ना सके, फिर जम के बरस और इतना बरस कि वो जा ना सके। तो सावन के महीने में ये हमारे महबूब के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि मधु जी भी कुछ कहना चाहेंगी सावन के महीने में। सावन जी पड़े जी, तुम चले आओ लाख बरसे झूम के सावन, पर वो बात कहाँ जो तुम्हारे मुस्कुराने से होती है। क्या बात श्रद्धा जी। ओ सजना बरखा बहा रही, रस की पुआर लाई, अखियों में प्यार लाई। ओ सजना, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, आपको नया नया दायित्व भी मिला है रोटरी मीरा के अध्यक्ष होने का, क्या कहना चाहेंगे इस सावन के मौसम में? उमड़ते घुमड़ते बादल लड़ रहाते खेत, हरियाली की चादर ओढ़े ये वादियाँ, यही कहती है कि साथियों झूमो गाओ नाचो खुशियाँ मनाओ, क्योंकि झूमता हुआ सावन आया है। तो मैं तो यही कहूँगी, रंगीलो सावन आयो रे, हठीलो सावन आयो, बिरखा की बूंदा लायो रे, हठीलो सावन आयो, अरे आयो आयो तीज त्योहार, रमशा आंगणी है, काफी रमशा आंगणी है। काफी खुश हो रहे हैं सभी के सावन का स्वागत कर रहे हैं। मोनिका जी मेवाड़ा हमारे साथ में जी, आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगी कि इस शिवरात्रि पर 50 साल बाद योग बना है जिसमें 5 सोमवार आए हैं, तो ये शिवरात्रि हम सबके लिए जो ये महामारी आई है वो हटे और हम सबके लिए खुशहाली लाए और आगे सब बहुत मंगलमय हो। थैंक यू। काफी खुशी और मंगलमय होने की कामना कर रहे हैं कि देश दुनिया में कोरोना मिटे। लेकिन हर साल सावन का उत्सव मनाने वाली ये महिलाएं इस बार कुछ अलग ही अपने दिलों में गा रही हैं कि वो वक्त वापस आए।